हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो आज मैं खा रही लजानिया। देन ये भी पिज़्ज़ा मैक्स का ही है और मुझे लजानिया भी बहुत पसंद है। तो ये देखें, ये है पिज़्ज़ा मैक्स लिखा आ रहा है। देन आप इसको कॉल करके भी बुला सकते हैं। तो चलें, इसको अब मैं ओपनिंग कर देती हूँ। ये साइड साइड से थोड़ा सा ना, मतलब वो ट्रिकी हो जाता है। सो अब मैं इसके हटा रही हूँ ये। ये देखें, ये ब्रेड भी दे देते हैं साथ से, साथ में, इसलिए भी हम लोग ब्रेड को यहाँ साइड पे रख देते हैं। तो ये देखें, ये चीज़ी होता है, टॉपिंग होती है इस पे, और ये मैक्रोनी टाइप होता है पास्ता, मतलब वेजिटेबल्स होते हैं इसमें। ये देखें, अंदर से बहुत क्रीमी होता है। ये देखें, मशरूम होता है, शिमला मिर्च होती है, प्याज होती होगी कि नहीं मुझे पता नहीं है। अभी ट्राई करते हैं इसको। आई नहीं रहा है ये। इसमें वही चीज डली होती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती, शिमला मिर्च, इसलिए मैं उसको हटा हटा के खाती हूँ। ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है इसको तोड़ना। हाँ, तो फाइनली आ गया। चीज़ी होता है, स्पाइसी होता है, और ये है कि इसमें मशरूम्स होते हैं। अच्छा होता है, बहुत टेस्ट इसका क्रीमी होता है, अंदर से पूरा क्रीमी होता है ये। लेकिन तो पास्ता की मैं लिस्ट में मुझे ये बहुत पसंद है। स्पाइसी सा होता है। बहुत क्रीमी होता है ये, अंदर से पूरी क्रीम भरी हुई होती है इसमें, और मैक्रोनी होती है, वो जो टेबल्स होते हैं, चिकन भी होती है। क्रीम के साथ तो वैसे भी अच्छा था ही, लेकिन वेजिटेबल्स के साथ, चिकन के साथ थोड़ा और अच्छा हो जाता है। मतलब ये कि हर किसी को ही अच्छा लगेगा।
मशरूम भी मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए अगर वो आ रहा है तो मैं उसको हटा रही हूँ। इसमें शिमला मिर्च बहुत ज्यादा है, और वो पिज्जा में भी होती है, हर पास्ता में होती है। मैंने शायद शिमला मिर्च खा ली। तो फ्रेंड्स, अब आगे मैं नहीं खा सकती, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। थैंक यू, बाय।